कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट न्यूमेरिकल से एग्जाम्पल दूंगा, सो बहुत ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें वापस रिव्यू हो जाएंगी कि हम क्या पढ़ चुके हैं। नाउ सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन के सपोज करें एक कंपनी है जो कि डिविडेंड कितना पे करी, 8.33 पर शेयर, और अभी अज्यूम कर रहे हैं फॉर दिस एग्जाम्पल के जितना अर्निंग जितनी अर्निंग है उतना ही वो डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 15% यानी डिविडेंड आपके पास 8.33 है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, डिस्काउंटेड है। आपसे उस शेयर की प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो शेयर की प्राइस के लिए क्या होगा, क्या यहाँ पे कोई ग्रोथ है, नहीं है, तो ये इसका मतलब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा आपको, ये नो ग्रोथ मॉडल है, सही है, या ज़ीरो ग्रोथ मॉडल है। ज़ीरो ग्रोथ मॉडल का फार्मूला क्या था, पी ज़ीरो इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर, सही है। अब डी ज़ीरो वन एक ही बात है, तो यहाँ पे एक और बात है कि जो डिविडेंड है वही अर्निंग है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कह सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर बराबर है डिविडेंड पर शेयर के, ठीक है, ओके, मैं जो बिल्लू मार कर उसी पे आ जाता हूँ। तो इसकी अगर मैं प्राइस कैलकुलेट करता हूँ तो डिविडेंड 8.33 है और रेट 0.15 15% है, तो प्राइस निकालते हैं तो प्राइस कितनी आ गई, पी ज़ीरो इज इक्वल टू, लेट्स यूज़ कैलकुलेटर, यस हियर इट इज़, 8.33 को डिवाइड कर देते हैं 0.15 से तो 55.53 आ रहा है, तो इसका मतलब इस शेयर की प्राइस 55.53 है, यानी अच्छा मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट देना है लेकिन ये इनडायरेक्टली रिवाइज हुआ। अच्छा अब आ जाते हैं आगे प्रेजेंट वैल्यूज की तरफ, आस्ते आस्ते स्टार्ट करते हैं। समटाइम वी डोंट पे ऑल अर्निंग्स टू इन्वेस्टर, हम सारी अर्निंग के इन्वेस्टर को पे करते हैं एज एन कंपनी कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, सही है, इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव कुछ और है, कंपनी का पर्सपेक्टिव कुछ और है, अभी मैं कंपनी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो कंपनी बोलेंगे कि भाई जितनी अर्निंग भी सबके सब दे देंगे तो फ्यूचर के अंदर अगर कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो आप क्या वैसे वापस दोगे, नहीं दोगे, तो वो पैसे वापस लेने के लिए क्या करना होगा, आप होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं, अभी अज्यूम कर रहे हैं कि रिटेंशन रेट या प्लॉबैक रेट कितना है, 40%। इस 40% का मतलब क्या है कि अगर मुझे अर्निंग एक शेयर पर 10 रुपये की हुई तो मैं 4 रुपये अपने पास रखूँगा और 6 रुपये शेयर होल्डर को दूंगा डिविडेंड के तौर पे, सही है, या 5 रुपये की अर्निंग हुई तो उसका 40% यानी 2 रुपये अपने पास रखूँगा, 3 शेयर होल्डर को दूंगा, शेयर होल्डर को बिल्कुल खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो अब अगर मैं डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करता हूँ, सही है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा, ये बस स्लाइड्स बनाई हुई हैं, सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो अब क्या होगा, क्या अब देखा जाए तो डिविडेंड पर शेयर का फार्मूला थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय डीपीआर, यही था ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना होगा, डीपीआर के लिए क्या करना, प्लॉबैक रेट है, एक और बात डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड रिटेंशन रेट वाली बात, इसके लिए अर्निंग पर शेयर है 8.33, 1 माइनस 0.4 आएगा, सही है, 1 माइनस बी, ये फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, प्लॉबैक 40% वगैरह के लिहाज से हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो प्राइस के लिहाज से तो पी ज़ीरो इज इक्वल टू $5, और अब अगर वही 0.15 है तो अब मेरे पास प्राइस कुछ और आ रही होगी, लेकिन मैं एक इशू यहाँ पर भूल चुका हूँ, मैं उसको अभी सॉर्ट आउट कर देता हूँ, यानी अब शेयर की प्राइस मेरी कितनी आ गई, 33.3। अच्छा इन्वेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जब कंपनी कहती थी हम जितना कमाएंगे सारा का सारा आपको दे देंगे, ठीक है, तो वो कंपनी की शेयर प्राइस कितनी आ गई, 55, लेकिन कंपनी कहती नहीं हम अपने पास होल्ड करके रखेंगे सारा आपको नहीं देंगे, तो देखें क्या हो गया, प्राइस कम हो गई, इन्वेस्टर की नज़र में उसकी प्राइस में क्या आ गया, डिक्लाइन आ गया, वो सारे के सारे पैसे वो कह रहा है कि यार ये होल्ड करके रख रहे हैं फिर लॉस हो गया तो किसी रिस्कीनेस वाली वगैरह वाली बात की वजह से या किसी भी वजह से, तो इसका मतलब वो उसको सम तरीके से डी वैल्यू कर रहा है, उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है। सो
यहाँ तक ये वाली बात हो गई। स्टिल मुझे ग्रोथ, इसका मतलब जो ग्रोथ वाली बात, ग्रोथ वाले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, अब मैं थोड़ा सा और आ गया था। तो अब अगर मैं एक और चीज़ करता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, अर्निंग पर शेयर आपके पास ये है, प्लो बैक रेट आपके पास ये आ रही है, तो सबसे पहले ग्रोथ रेट मालूम करते हैं। ग्रोथ रेट मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है, एक मिनट। सो मुझे ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, ग्रोथ रेट का फार्मूला क्या था, जी इज इक्वल टू, एक मिनट, यस, जी इज इक्वल टू आर ओ ई मल्टीप्लाई बाई प्लो बैक रेशियो, ठीक है। वन माइनस प्लो बैक रेशियो क्या होता है, बेसिकली प्लो बैक रेशियो वन माइनस डी पी आर है, ठीक है, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं होल्ड 40% रख रहा हूँ, होल्ड, तो इसका मतलब पे कितना कर रहा हूँ, 60%। तो आप ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक मैंने शायद पिछले न्यूमेरिकल में माइनर सी मिस्टेक कर दी थी, बी और डी पी आर को मिक्स कर दिया था, बट ये हैंड आपको प्रोवाइडेड लेक्चर नोट्स के अंदर जो रीडिंग मटेरियल है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर ये प्रॉपरली मेंशन होगा। सो रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास कितना है, 25%, और प्लो बैक रेट अगर हम बात करते हैं तो प्लो बैक रेट 40% है, तो इसका मतलब ग्रोथ मेरा कितना आ जाएगा, 10%, यानी ये फॉर्म या ये बिजनेस 10% ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई प्राइस कैलकुलेट करें विथ सी जी एम, सी जी एम से मुराद क्या, यानी अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई इस कंपनी की प्राइस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यहाँ वाला ये रहा, तो पी ज़ीरो इज़ इक्वल टू डी वन ओवर आर माइनस जी, ठीक है, ओके। सो डिविडेंड, अभी हमने पिछली सेशन में डिविडेंड डिस्कस किया था कि ये कितना मौजूद है, सही है, 8.4, यानी ये प्लोबेक रेट वगैरह के लिहाज से 40% है, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर पे आउट रेशियो के लिए क्या करना होगा, वन माइनस बी माइनस करना होगा, नहीं मैंने सही कह रहा, ओके। सो डिविडेंड आपके पास कितना है, $5 जो हमने ये कैलकुलेट किया था, सही है, डिविडेंड डीपीएस ये $5 है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया आर, विच इज़ रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट, 15% है, तो ये 0.15 आ गया, माइनस ग्रोथ रेट आर माइनस जी, जी निकाला कितना, 0.10। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास पी ज़ीरो यानी ग्रोथ वाली प्राइस जो आ रही है 5/0.05। लेट्स यूज़ कैलकुलेटर के, इसमें मैं 5 को डिवाइड कर देता हूँ 0.05 से, तो $100 की प्राइस आ रही है। डैट मीन्स के प्राइस कितनी हो गई, $100, यानी एक कंपनी जो ग्रो करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी सिचुएशन ये आ गई कि भाई चलो हमने होल्ड किया है लेकिन इनको प्रॉफिटेबिलिटी इतनी आ रही है, तो ग्रोथ की बेस पे प्राइस आपके पास $100 आ रही है, और विथआउट ग्रोथ वाली प्राइस जो सबसे पहले कैलकुलेट की थी, विच वॉज कि भाई ये सारा का सारा दे देते, कुछ भी होल्ड नहीं करते, तो अब ये प्राइस कितनी आ रही है, 55.53 आ रही है, यानी ग्रोथ वाली प्राइस $100 है और विथआउट ग्रोथ वाली प्राइस 55 है। तो हम इसका मतलब ये इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी अगर ग्रो करेगी, और यहाँ पर अज्यूम करें कंपनी ग्रो नहीं करेगी, यहाँ पर ये है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो हमें कम पैसे दे रही है लेकिन फ्यूचर में बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 में से, यानी प्राइस विथ ग्रोथ में से जब हम माइनस कर देते हैं प्राइस विथआउट ग्रोथ फैक्टर, तो $100 की जो प्राइस है इसमें से मैं 55.53 माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आ रहा है, 45.47 आ रहा है। तो ये टेक्निकली क्या कहलाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी इसका मतलब यह है कि अगर फर्म ग्रो करेगी तो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, अगर फर्म ग्रो नहीं करेगी तो हमें $55 की प्राइस है। लेकिन अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं फर्म ग्रो करेगी, भले होल्ड कर ले, तो इसकी प्राइस कितनी होगी, $100। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए हमें, अच्छा एक और छोटी सी बात कि यहाँ पर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% होता
प्राइस इतनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो ज़ीरो भी आ सकती थी, सही है। यानी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ये 15% ही होता, जितना देखा जाए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को मैं कहूँगा, आप एक्सप्लेन कीजिएगा क्या कह रहा। अगर रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट और आरओई अगर बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ के साथ वाली प्राइस और विथआउट ग्रोथ वाली प्राइस क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी, दोनों का डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप अपनी तरफ से, मैं कहूँगा इसके न्यूमेरिकल खुद वैल्यूज चेंज करके ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, तो एक आइडिया हो जाएगा। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के हवाले से अभी के लिए इतना ही। मैं आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ जो कि आप इस हफ्ते के तौर पर अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐड करेंगे, कि जिसमें ग्रोथ के साथ और विदाउट ग्रोथ के बेसिस पे क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको शेयर की निकालनी होगी, ठीक है।